शाकाहारी है। लास्ट वाले को पहचान लिए, क्या है? नो बडी टू देम, उसे कोई नहीं खाएगा, तो टॉप कंज्यूमर में पहचान में आ गया। अब रिवर्स गियर लगाइए, हम देखते हैं बाज या मोर सांप का शिकार करता है, फ्रॉग का नहीं। तो आपको कनेक्शन मिल गया कि ये बाज मोर तो इसका शिकार करेगा, ठीक है, और सीधा सीधा आप कहेंगे अब इससे ये कनेक्टेड है, तो ये बात भी तो लॉजिक लग सकती है भाई, कभी भी फ्रॉग सांप का शिकार नहीं कर सकता जबकि सांप फ्रॉग का कर सकता है, ये लॉजिक लगा सकते हो आप। तो सेकेंडरी और टर्सरी पहचानने के लिए क्या टूल यूज करोगे, लास्ट में पहुंचेंगे। टॉप कंज्यूमर को पहले देखिए, टॉप कंज्यूमर किससे कनेक्टेड है, तो जनरली आपको आंसर मिल जाएगा वहीं पे। फिर भी आंसर ना मिले तो आप लोग एक दूसरे को चेक करके देख लेना कौन किसका शिकार करता है। तो ऑलवेज सांप ही क्या फ्रॉग का शिकार करेगा, कभी सुने हो फ्रॉग सांप का शिकार करेगा? नहीं करता कभी भी नेचर में। तो इस प्रकार आप कहेंगे टॉप पता चल गया, तो टॉप के पहले तो टर्सरी होगा और टर्सरी के पहले सेकेंडरी होगा, अकॉर्डिंगली आप समझ जाएंगे। क्या ये चीजें सबको स्पष्ट है, क्लियर है? मिक्स करके कुछ ऑप्शन दूं तो पहचान लोगे? प्रोड्यूसर हरा है, हर्बीवोर्स है, कार्निवोर्स है। जब यहां पे इस प्रकार पांच, इनको प्रत्येक को कहा जाता है पोषण स्तर, फाइव ट्रॉफिक लेवल है। ट्रॉफिक लेवल मतलब पोषण स्तर, फूड जिससे दूसरे एनिमल, दूसरे क्या है आपके ऑर्गेनिज्म को प्राप्त हो रहा है, उसे ही हम कहते हैं क्या है ट्रॉफिक लेवल। तो देयर आर फाइव ट्रॉफिक लेवल इन दिस फूड चेन। आपको एक और महत्वपूर्ण बात बताता हूं कि अमेजन फॉरेस्ट जो दुनिया का सबसे घना जंगल है, उसी जगह पे या ऐसे ही वेरी 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 डेंसिटी वाले बायोडायवर्सिटी जोन में ही इस प्रकार पांच ट्रॉफिक लेवल वाले फूड चेन मिलते हैं, अदरवाइज ज्यादातर चार वाले ही मिलेंगे, मतलब ऊपर वाला ही ज्यादातर मिलता है इस अर्थ में। और आगे में जब बायोडायवर्सिटी का मैं किस प्रकार वितरण है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बायोडायवर्सिटी अक्रॉस वर्ल्ड इन दी अर्थ, ये सब चीजें जब मैं आपको बताऊंगा तो चीजें समझ में आएगी कि दुनिया के ज्यादातर 60-70% बायोडायवर्सिटी तो सबके सब इक्वेटर के आसपास है, ठीक है। तो वो सब चीजें समझ आएगी, जहां बायोडायवर्सिटी रिच होगी, डेंस होगी, उस जगह पे पांच ट्रॉफिक लेवल, पांच पोषण स्तर वाले क्या हैं आपके फूड चेन मिलेगा। फूड चेन में मैं आपको इसको दोबारा बताऊंगा भी दूसरे तरीके से, ठीक है, सबको समझ जाओ, पहचान लोगे। चलो क्वेश्चन करते हैं, जो जानते हैं थोड़ा साइलेंट रहना, ठीक है। एक व्यक्ति, उसका नाम मोहन है, वो दूध पीता है तो वो क्या है, या दही खाता है तो वो क्या है? दूध पीता है तो प्राइमरी में, कैसे? दोनों सेकेंडरी कैसे आया? देखो, जिनको क्वेश्चन समझ नहीं आया थोड़ा सुन लीजिए। देखो यहां पे हमने कहा है, देखो अरे दूध कहां से मिलता है, पहले देखो ये दूध है, दूध कहां से मिलेगा? तो ये किसी ना गाय भैंस या बकरी से मिलेगा। तो चलो मैं फिलहाल लिख लेता हूं, यहां पे गाय लिख देता हूं। गाय खाएगी क्या? घास खाएगी, यानी ग्रास। तो ग्रास क्या है आपका? ग्रीन है, तो प्रोड्यूसर हो गया। प्रोड्यूसर को खाने वाला ये क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर। अब प्राइमरी कंज्यूमर से रिलेटेड प्रोडक्ट को जो खाता, वही बात बता रहा हूं, जो प्राइमरी प्रोड्यूसर यानी प्राइमरी कंज्यूमर को जो खाता है या उससे रिलेटेड प्रोडक्ट को जो खाता है, ठीक है। तो यहां दूध तो इसका प्रोडक्ट है ना, काऊ का प्रोडक्ट है, तो यहां पे मनुष्य है, मोहन तो यहीं पे है, तो हम कहेंगे वो दूध का सेवन करता है, मतलब प्राइमरी कंज्यूमर से प्राप्त प्रोडक्ट को खा रहा है, मतलब वो सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया। अगर वो दही बनता तो है तो दूध का ही प्रोडक्ट है ना, तो दूध का ही प्रोडक्ट। तो एक व्यक्ति जो दूध या दही का सेवन करता है, ये आपका सेकेंडरी कंज्यूमर, एनसीईआरटी का है ये, ठीक है, आप उस किताब में देख सकते हैं इसे। चलो एक एग्जांपल और, आपके नोट्स में वैसे लिखा हुआ है, ठीक है, आपने लिखा हुआ इंसेक्टिवोरस प्लांट, जानते हैं आप लोग, कीट भक्षी पादप, निपेंथिस, ड्रोसेरा वगैरह, तो वो क्या है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, प्रोड्यूसर क्या है? प्लांट है, देखो फिर दोनों है, कैसे? चलो लॉजिक लगाते हैं, लॉजिक लगाते हैं, कहां लिखे हैं? नीचे लिख लेते हैं। चलो यहां पे हमारे पास ऑप्शन है, इस जगह पे देखिए, निपेंथिस या ड्रोसेरा को जब हम देखते हैं,
ये वास्तव में क्या होता है, एक पौधा है, एक प्लांट है। तो ऑल ग्रीन प्लांट्स आर द प्रोड्यूसर, तो वो तो उत्पादक होगा, इसमें कोई समस्या नहीं है। प्लांट ग्रीन है तो सीधा सीधा प्रोड्यूसर ही होगा। लेकिन क्या होता है, वो प्लांट जब भी क्या होता है, वो ग्रो करता है तो उसकी पत्तियां, जो लोटा होता है ना घर में, लोटा, लोटा के साइज का, शेप का होता है, उसकी पत्तियां इस प्रकार होती हैं। जैसे इंसेक्ट या कोई भी कीड़े मकोड़े उसके पास जाते हैं, उसकी लिप में लेटेक्स होता है, श्लेष्मा होती है, वो उसमें चिपक जाता है, फिर वो पत्तियों को इस प्रकार करके क्लोज कर देता है। और क्लोज कर देगा और उसके बाद क्या होगा, क्लोज करने पर क्या है, उस कीड़े मकोड़े को वो क्या कर देगा, डाइजेस्ट कर लेता है। अब आप लोगों को समझना है कीड़ा या इंसेक्ट क्या है। भाई इंसेक्ट या कीड़ा तो पत्तियों को कुतर के अपना जीवन यापन करता है, लाइफ साइकिल वही चलाता है। तो जब मैंने यहां पे कहा कि वो जो है इंसेक्ट पत्तियों पर डिपेंड है, तो पत्ती प्रोड्यूसर हो गया, उत्पादक हो गया, पत्ती को कुतर के खाने वाला इंसेक्ट या कीड़ा क्या हो गया, प्राइमरी कंज्यूमर हो गया, और प्राइमरी कंज्यूमर को खाने वाला निपैंथिस या ड्रोसेरा सेकेंडरी कंज्यूमर होगा। सबको समझ में आ रहा है, बना लोगे मिक्स करके ऑप्शन देगा तो, है ना, बेसिक बेसिक बातें हैं ये। तो ये चीजें आप लोगों को समझनी है, ये आपको बड़ी काम की चीज है, ठीक ना। हाँ, अमरबेल, वेरी गुड। अमरबेल क्या होगा, पहले आंसर करिए आपकी तरफ से, फिर मैं बताता हूं। प्राइमरी होगा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। देखिए अमरबेल या कसकुटा कहां ग्रो करता है, किसी की जैसे कोई मान लो कोई प्लांट है, उसके तने में चारों तरफ इस प्रकार क्या होगा, लपेट जाता है, है ना, देखे होंगे अमरबेल, ठीक है, तो इस प्रकार लपेटा जाता है। तो वो न्यूट्रिशन किससे ले रहा है, प्रोड्यूसर से ले रहा है। तो प्रोड्यूसर से लेने वाला अमरबेल वास्तव में क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर है। अब वो हरा होगा तो भाई वो अपना वो ऑटोट्रॉप्स तो है ही नहीं, वो अपना फूड नहीं बना पा रहा। अगर वो फूड बनाता तो ऑटोट्रॉप्स कहते, और ऑटोट्रॉप्स कहते मतलब प्रोड्यूसर कहते। तो ऑल ग्रीन प्लांट्स आर द प्रोड्यूसर का एक्सेप्शन क्या है, अमरबेल। अमरबेल हरा जरूर है लेकिन वो प्राइमरी कंज्यूमर है, ठीक है, समझ में आया। चलें, कई बार आप लोगों को ये बात बता देता हूं, ये जो प्राथमिक उपभोक्ता को, प्राइमरी कंज्यूमर को कई बार क्या कह देते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर भी कह देते हैं, सॉरी सेकेंडरी प्रोड्यूसर भी कह देते हैं। बस ऐसे बोलने के लिए होता है भाई, कुछ नहीं भाई, प्रोड्यूसर या उत्पादक तो ये है, और उत्पादक के बाद आने वाला क्या है, ये प्राथमिक उपभोक्ता है, प्राइमरी कंज्यूमर है, बट कभी कभी इसे हम द्वितीय उत्पादक भी कह देते हैं, सेकेंडरी प्रोड्यूसर भी कह देते हैं। इन जनरली बोलचाल में ऐसा यूज नहीं करते हम, तो कभी घुमा के पूछेगा तो समझ जाना इसकी बात कर रहा है, ये प्राइमरी होगा तो ऑब्वियसली सेकेंडरी होगा, ठीक। चीजें स्पष्ट है सबको, तो अब आप लोगों को वापस अपनी जो लिखे हैं उस पर देखिए जाइए, क्या इन तीनों को पहचान लेंगे, ऑलवेज क्या है, हर्बीवोर्स, ऑलवेज कार्निवोर्स। टर्सरी के बारे में हम डाउट रह सकते हैं, वो ओमनीवोर्स भी हो सकता है, कार्निवोर्स भी हो सकता है, और इसके केस में भी वो ओमनीवोर्स और कार्निवोर्स हो सकता है, लेकिन इसको पहचानने का तरीका टॉप कंज्यूमर को कोई नहीं खाता, और इसमें अकॉर्डिंगली हम लिंक डाल सकते हैं, आपस में चीजों को जोड़ सकते हैं। जब टॉप कंज्यूमर को कोई नहीं खाता तो उसे डिकम्पोज करते हैं ये लोग, है ना। एक बात और, आप लोग स्कैवेंजर्स का नाम सुने हैं, अपमार्जक, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर को खाता है उसे अपमार्जक कहा जाता है, मृत कार्बनिक पदार्थ को खाने वाला अपमार्जक। गिद्ध, वल्चर, वल्चर क्या है, डेड ऑर्गेनिक मैटर को खाता है, इसीलिए इकोसिस्टम में वल्चर का होना बहुत आवश्यक है। वल्चर के बारे में दो जरूरी फैक्ट आप याद रखिए, एग्जाम में पूछा गया है, पहला तो ये स्कैवेंजर्स यानी अपमार्जक है जो डेड ऑर्गेनिक मैटर को खाता है, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू कि क्यों गिद्ध की जनसंख्या या गिद्ध की संख्या इतनी डिक्रीज हो गई है, तो गिद्ध की संख्या इसलिए डिक्रीज हुई है, उसका कारण है एक पेस्टिसाइड, बता सकते हैं, डिप्लोफिनेक। डिप्लोफिनेक आपके एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, स्टेट पीएससी में भी पूछा है। देखो पीएससी साल भर में 8 से 9 अलग अलग एग्जाम लेती है, हम राज्य सेवा परीक्षा की केवल बात नहीं कर रहे हैं, वो तो मुख्य आपका पेपर है प्री मेंस इंटरव्यू वाला, पर रली बहुत सारे डिपार्टमेंट, सेरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, इवन हैंडीक्राफ्ट, अलग अलग डिपार्टमेंट के असिस्टेंट डायरेक्टर का भी पोस्ट लेती है, और वो पोस्ट संख्या में भले कम होते हैं लेकिन वो उसमें मेंस का फंडा नहीं होता,
जिस दिन एग्जाम दिया उस दिन आप अच्छा कर लिए, मतलब आपकी सिलेक्शन उसी दिन तय हो जाती है। इंटरव्यू में नंबर कम होते हैं, रिटर्न नंबर बहुत मैटर करता है। तो अगर आप पिछले वर्षों के पीएससी के पेपर जो हर साल 8 से 9 प्रकार के होंगे उनका पेपर सॉल्व करेंगे तो कुछ ऐसे प्रश्न आपको दिख जाएंगे जो अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड होते हैं, तो उसमें ये क्वेश्चन भी आपको दिखेगा कि गिद्ध की संख्या कम होने का कारण डिप्लोफिनेक, लिख लीजिए डिप्लोफिनेक नाम का एक दवाई है, एक मेडिसिन है, तो इसके लिए क्या है, इसके लिए क्या है, थोड़ा सा हार्मफुल था, कैसे था, देखिए ये डिप्लोफिनेक दो तरह से यूज किया जाता है। डिप्लोफिनेक एक नाम है और भी दूसरे नाम हो सकते हैं। डिप्लोफिनेक जो होता है किसी कैटल्स या पशुओं के बॉडी में क्या है, पहले से मौजूद रहेगा, कैसे, ड्यू टू द एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी, खेतों में छिड़काव किए, वो पेस्टिसाइड, वो चीज ग्रेजिंग किया, उस घास फूस का क्या है, ग्रेजिंग किया जाएगा बाई एनिमल्स, उसके बॉडी में पहुंच जाएगा, या फिर कुछ दर्द निवारक दवाएं जो है कई बार पशुओं को दिया जाता है, तो उसके बॉडी में कुल मिला के डिप्लोफिनेक नाम का एक जो केमिकल है उसके बॉडी में मिल गया। उसकी डेथ कभी होती है, जैसे गाय भैंस बकरी वगैरह की कभी डेथ होती है तो किसी जगह जाके डंप कर दिया जाता है या दफना दिया जाता है, तो उसे फिर खाते हैं कौन, ये गिद्ध या वल्चर्स। तो शुरुआत में ऐसा था, आज से 15-20 साल पहले इसकी जनसंख्या काफी ज्यादा थी। भारत में 9 प्रकार के गिद्ध या वल्चर्स मिलते हैं और इसमें क्या है, ये इकोसिस्टम को बैलेंस करने का बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो इसमें होगा क्या कि यदि उस डिप्लोफिनेक को यहां पे इनके बॉडी में चला गया गिद्ध के वल्चर के, तो इनकी डेथ हो गई और डेथ होने पर क्या है, फाइनली इकोसिस्टम से बाहर हो गए। चलिए एक आंसर और करिए, क्या होगा यदि सभी हर्बीवोर्स को हटा दिया जाए, इस अर्थ से सभी हर्बीवोर्स को हटा दिया जाए तो क्या होगा, कार्निवोर्स भी कम हो जाएंगे, और कोई दूसरा ऑप्शन, सॉरी न्यूट्रिशन किसी को, चलो दूसरा और तीसरा आंसर, सब एक दूसरे को खाएंगे, नहीं, हाँ बताएं खत्म हो जाएगा, और कोई लॉजिक आसपास है, एग्जैक्ट पॉइंट तक नहीं पहुंच पा रहे हैं कोई, हाँ वो तो है, वो तो हो ही जाएगा, फूड चेन खत्म हो जाएगा, वेरी गुड, फूड चेन खत्म होगा। एक चीज को देखो, इस बात को समझिए, एक चीज के गायब होने से कितनी चीजें प्रभावित होती हैं। जैसे इनका आंसर था कि फूड चेन पूरा जो है टूट जाएगा, बिल्कुल टूटेगा। जैसे एक बात दो एग्जाम्पल से लेते हैं, जैसे कि किसी के यहाँ कहीं पे चूहे बहुत हैं, रैट बहुत हैं, जो बहुत कॉमन चीजें घरों में, घर के आसपास बहुत चूहे, तो वहां दो चीजें जरूर मिलेगी, दोनों में से कोई तो मिलेगा, या तो बिल्ली मिलेगा या तो सांप मिलेगा, दोनों ही चीजें, अगर किसी के आसपास चूहे बहुत हैं और बिल्ली नहीं है तो इसके पूरे पूरे चांसेस हैं कि वहां स्नेक कभी ना कभी आएगा ही आएगा। ऐसा घरों के केस में नहीं कह सकते, इन नॉर्मल केस में कह रहे हैं, ठीक है। अब भाई शहर में इतना पोल्यूशन है, इतना शोर है कि यहां पे कोई एनिमल ही सरवाइव नहीं कर पाएगा स्नेक वगैरह, फिर भी कई बार आ भी जाते हैं। तो स्नेक के ज्यादा होने पर, सॉरी रैट के ज्यादा होने पर, उसके आसपास दो चीजें आना रहना जरूरी होता है, या तो कैट या बिल्ली, क्योंकि उसका फूड चेन का पार्ट है। बिल्ली या कैट वास्तव में 100% कार्निवोर्स है, वो तो क्या है, अब घर में क्या उसको डेली नॉनवेज चीजें थोड़ी मिलेगा, तो इसलिए क्या है, मजबूरन एडॉप्टेशन के लिए, अनुकूलन के लिए घर की दाल चावल रोटी को भी खा लेती है, और उसके लाइक कभी फिश बना उसको भी खा जाएगी, दूध है उसको भी पी जाएगी, तो अल्टीमेटली वो उसे कार्निवोर्स बना दिया गया है। अदरवाइज वो है पूरी तरह से वो टाइगर फैमिली का है, इसलिए बिल्ली को मौसी कहा जाता है, ठीक है। तो ये बात याद रखना कि वो कार्निवोर्स है। तो एक चीज आप समझिए, एक रैट को हटा देने पर वहां बिल्ली भी प्रभावित होगा, वहां सांप भी प्रभावित होगा। उसी प्रकार यहां पे अगर इस अर्थ में हर कोई हम क्या होंगे, कार्निवोर्स, हर को यहां पे पूरे कार्निवोर्स को हटा दिया, प्राइमरी कंज्यूमर को हटा दिया, तो सबसे बड़ी असंतुलन तो इधर आ जाएगी, प्लांट पूरे अर्थ में एल्गी ही एल्गी फैल जाएंगे, यही आंसर आपका रहता है, पूरा पृथ्वी शैवाल से ढक जाएगा। रीजन, शैवाल मोस्ट कॉमन चीज है, अभी पानी गिराओ बाजू में, कल देखना वहां शैवाल ग्रो कर जाएगा।
मोस्ट कॉमन वेजिटेशन है, प्राइमरी वेजिटेशन है, उसको ग्रो करने के लिए कोई ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता, तो पूरा पूरा अर्थ क्या है, शैवाल से ढक जाएगा। और ये क्या है, ये तो कार्निवोर्स है, ये थोड़े खाएगा घास फूस, फिर वो एडाप्टेशन करना पड़ेगा समय के साथ, फिर ऐसा लाइक आएगा फिर, लेकिन कुल मिला के असंतुलन आएगा, इम्बैलेंस होगा, और फाइनली कहेंगे फूड चेन में एक भी ट्रॉफिक लेवल को हटा देते हो तो उसका प्रभाव इधर भी पड़ेगा उधर भी पड़ेगा। तो यही ऑप्शन को ट्रिक सही करने का तरीका है। जब भी आपको कोई भी फूड चेन या किसी ट्रॉफिक लेवल को हटा के क्वेश्चन पूछेगा तो आप देखना ऑप्शन में यदि दोनों होगा तो बी एंड सी दोनों वाला ऑप्शन मिलेगा, और यदि नहीं होगा तो इसके पहले वाले को देख लेना, इसकी संख्या इतनी बढ़ जाएगी कि पूरा अर्थ जो है ढक जाएगा। ठीक है, तो इस बात को याद रखना, इस अर्थ में जैसे लोग उपदेश देते हैं ना कि हमको शाकाहार होना चाहिए, हमको मतलब हर कोई हर्बीवोर्स होना चाहिए, अच्छी बात है हर्बीवोर्स होना, लेकिन इस इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए दोनों ही प्रकार के एनिमल आवश्यक हैं, हर्बीवोर्स भी कार्निवोर्स भी। चलिए, ह्यूमन बॉडी क्या है, मानव शरीर क्या है, हर्बीवोर्स के लिए बना है, कार्निवोर्स के लिए बना है, ओमनीवोर्स के लिए बना है, प्रूफ के साथ बताओ, लॉजिक प्रूफ, हाँ जल्दी बताएं, टॉपिक खत्म करना है। मानव शरीर किसके लिए बना है, साइंटिफिकली सोचो जो प्रूफ है आपकी बॉडी में, दोनों के लिए है। रीजन देखो, एक तो पहला कैनाइन टीथ मिलता है, कैनाइन टीथ यानी कैनाइन दांत, जिसे हम कहते हैं कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक, चवर्णक, चार प्रकार का टीथ होता है, इनसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, चार प्रकार का टीथ होता है। तो कैनाइन टीथ ऑलवेज किसमें मिलेगा, कार्निवोर्स में ही मिलेगा, हमेशा मांसाहारी में ही मिलेगा, तो आपकी बॉडी में भी मिलता है कैनाइन टीथ, दिस इज प्रूफ नंबर वन कि आपका बॉडी किसके लिए बना है, कार्निवोर्स के लिए बना है, प्रूफ के साथ बता रहा हूं, इसमें कोई कहीं भी गलत होने वाली चांसेस ही नहीं है। दूसरा, अगर हमने कार्निवोर्स कह दिया, कैनाइन टीथ बॉडी में मिल रहा है कह दिया, दूसरा लॉजिक ये भी लगाइए कि आपके बॉडी के एलिमेंट्री कैनाल आहार नाल में लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत के साथ एक वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स या कृमि रूपी परिशेषिका होती है, वो है वेस्टिजियल ऑर्गन, अवशेषी अंग है, जैसे आपका ईयर पिन्ना, इसे काट के फेंक भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि ये वेस्टिजियल ऑर्गन अवशेष के रूप में मौजूद, इसका कोई काम ही नहीं है बॉडी में, ईयर पिन्ना का कोई काम नहीं है, वैसे ही आप बात करते हैं वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स का भी कोई काम नहीं है, केवल अवशेष के रूप में मौजूद है। हम अक्सर सुनते हैं ना किसी को अपेंडिक्स बीमारी हो गई है, फिर निकाल के हटाना पड़ता है, उसके रहने या ना रहने से आपका बॉडी में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो वो वहां पे मौजूद है, मतलब कभी तो कभी एक्टिव रहा होगा इवोल्यूशन के दौर में। हम अक्सर ये क्या पढ़ते हैं, हम ये पढ़ते हैं कि मानव ने पहले शिकार करना सीखा, फिर थोड़ी देर बाद देखते हैं कि आग जलाना सीखा, फिर पका के खाने लगा, फिर उसके बाद सिविलाइजेशन का दौर आया, यही पढ़ते हैं। तो ह्यूमन बॉडी के केस में हमारे एंसेस्टर्स कौन है, मंकी, हमारे एंसेस्टर मंकी हैं, क्योंकि उनका डीएनए हमारा डीएनए मैच करता है, ये प्रूफ है। और हम ये बात भी कहते हैं, आप उनके जितने भी फैमिली को लेते हैं, मंकी, गोरिल्ला, चिंपांजी, और उसके बाद हम ह्यूमन बींग की बात करते हैं, सब में बहुत सारी सिमिलैरिटीज दिखती है, डीएनए सिक्वेंसिंग सेम मिलता है, मतलब ये प्रूफ नंबर, ये अगेन प्रूफ हो गया कि हमारे एंसेस्टर तो क्या है, मंकी रहे। मंकी क्या होता है, हर्बीवोर्स होता है मोस्टली, हालांकि वेस्टर्न घाट में और ईस्टर्न हिमालय में, पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट में कुछ ऐसे मंकी मिल जाएंगे जो कार्निवोर्स भी होते हैं, मांसाहारी वाले भी होते हैं। खैर, तो वापस लौट के आइए अपनी जगह पर, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स होना मतलब ये कह रहा था कभी ना कभी ये एक्टिव रहा होगा। ऐसे एनिमल जो ग्रेजिंग करते हैं, जो चराई करते हैं, मतलब साग भाजी पत्तियां खाते हैं, मतलब शाकाहारी हैं, उनमें वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स हमेशा रहेगा, क्योंकि सभी हरे सब्जियों में, हरे साग पत्तियों में, ग्रीन प्लांट्स में सेल्युलोज नाम का एक फाइबर होता है, वो सेल्युलोज का पाचन जो है वो क्या है, ग्रेजिंग एनिमल करते हैं। हमारे बॉडी में सेल्युलोज का डाइजेशन नहीं होता, जैसे मिल्क प्रोटीन का हमारे बॉडी में डाइजेशन नहीं होता है ना, कि उसी प्रकार क्या है, सेलुलोज का भी पाचन नहीं होता, तो ये प्रूफ है। तो सेलुलोज यहां पे ओवरऑल कहेंगे ह्यूमन बॉडी इज मेड फॉर ओमनीवोर्स, क्योंकि पहला प्रूफ है कि कैनाइन टीथ,
दिस इज प्रूफ नंबर वन जो हमको बताता है कि हम कार्निवोर्स हैं। दूसरा प्रूफ ये भी कहता है कि वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स बॉडी में है तो कभी ना कभी डेवलप रहा होगा इवोल्यूशन के दौर में, उद्विकास के दौर में, बाद में भले रिसेसिव हो गया, उसका कार्य नहीं हुआ, तो इस प्रकार हम ओमनीवोर्स को कह सकते हैं। चलें, समझ में आया? हाँ, अब ये चीज आपने समझ लिया भाई, ये आपका बायोटिक फैक्टर को आपने समझ लिया। अब ए बायोटिक फैक्टर को यहां पे लिखिए, ए बायोटिक फैक्टर को लिखिए, ए बायोटिक फैक्टर में पहला पॉइंट, इसमें तीन चीजें लिखना है, ऑर्गेनिक यानी कार्बनिक, ऑर्गेनिक, दूसरा अकार्बनिक, इनऑर्गेनिक, तीसरा भौतिक या फिजिकल। तीन प्रकार के फैक्टर्स हैं। ये क्या है फैक्टर्स? ये सब के सब क्या है? कारक हैं, जैविक और अजैविक कारक। उसके पहले वाले में भी कारक ही हम पढ़ रहे थे। देखिए इसमें आप लोगों को एग्जांपल लिखना है, जैसे मैं लिख देता हूं कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद लिख देता हूं मान लो प्रोटीन, उसके बाद लिख देता हूं फैट या वसा। सबके सब क्या है? क्योंकि कार्बन से ही मिलके बने होते, कार्बन के ही यौगिक हैं, कार्बनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड इसलिए कहलाते हैं, बिकॉज दे आर एक्चुअली कंपाउंड ऑफ कार्बन। जैसे C6H12O6 तो कार्बन है, CH और ON मतलब इसमें भी कार्बन है। आपका फैट आपने पढ़ा होगा, वनस्पति घी, वनस्पति तेल, केमिस्ट्री में, ठीक है? तो हम वहां पे भी देखते क्या है, वो भी क्या है, फैट भी अल्टीमेटली क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड ही है, ठीक। जिसमें भी लाइफ होती है ना, किसी भी एनिमल प्लांट में, वो सब के सब ऑर्गेनिक कंपाउंड है। लेकिन इनऑर्गेनिक की बात करता हूं, जैसे कि आपका हो गया पानी, वाटर, इसमें ना कार्बन है ना कुछ है, तो इस केस में कहेंगे ये क्या है? इनऑर्गेनिक है। तो इनऑर्गेनिक जिसमें कार्बन नहीं है, इसके अलावा इसके कुछ और एग्जांपल लिखेंगे आप लोगों को। सामान्य ये सब चीजें पूछी जाती हैं, दिए गए कौन सा जैविक कारक है, कौन सा अजैविक कारक है, और इसी के आधार पर ये सब चीजें आपको पूछी जाती हैं। हाँ, नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट लिखेंगे इसमें, दैट इज सॉइल, सॉइल यानी भूमि, मिट्टी, आपका रॉक, चट्टान, ये सब क्या आ जाएगा? इनऑर्गेनिक चीजें हैं। ये सब चीजें आप लिख सकते हैं। जब फिजिकल फैक्टर की बात, फिजिकल फैक्टर जिसे हम अनुभव करते हैं, जैसे कि टेम्परेचर, हमको अभी गर्मी महसूस हो रही है, वो टेम्परेचर है। बाहर जाएंगे धूप लगेगी, वो भी क्या है? प्रकाश है, लाइट है। तो इसमें लिख लेंगे टेम्परेचर यानी कि तापमान, उसके बाद लाइट यानी प्रकाश, ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी यानी कि आर्द्रता, ये सब क्या है? किसके एग्जांपल हैं? आपके फिजिकल फैक्टर के। हाँ, सनलाइट लिख सकते हो, एक दो नाम और लिख लो, प्रेशर, दाब, दाब, इवन टोपोग्राफी, टोपोग्राफी का मतलब स्थलाकृति, स्थलाकृति, उबड़ खाबड़ है किसी जगह की, सॉइल जगह को, तो हम कहेंगे इसे टोपोग्राफी, ठीक। नाउ इधर एक दो चीज और ऐड कर लें, जैसे गैस आया, गैस भी इनऑर्गेनिक फैक्टर है। अरे कुछ नहीं लॉजिक लगाने से याद मत करिए, सीधा लॉजिक लगाइए कार्बन है या नहीं है, अगर नहीं है तो इनऑर्गेनिक, है तो ऑर्गेनिक। अब इधर को भी याद करने की जरूरत नहीं, जिसे हम महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं। अब लाइट, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब चीजों को महसूस करते हो, उसे हाथों से छू नहीं सकते। और टोपोग्राफी को भी छूएंगे बोलेंगे, वो टोपोग्राफी उबड़ खाबड़ किसी की सॉइल, तो उस आप सॉइल को छू रहे हैं, उसके सेब को छू थोड़े पा रहे हैं, उसे बस अनुभव कर पा रहे हैं, यहाँ प्लेन लैंड है, यहाँ पे उबड़ खाबड़ है समथिंग। तो ये सब चीजें हैं आपका क्या है, आपके फैक्टर से एबायोटिक फैक्टर। नाउ अब आपके सामने आएगा यहां पे इकोसिस्टम के कुछ प्रॉपर्टीज और इकोसिस्टम के टाइप,
ये बातें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। क्या लिखेंगे? टाइप ऑफ इकोसिस्टम एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इकोसिस्टम। तो पहले इसके प्रॉपर्टीज को देख देते हैं। इकोसिस्टम के महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक्स या महत्वपूर्ण विशेषताएं लिख लेंगे। इसमें पहला और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सोर्स। इकोसिस्टम में ऊर्जा का स्रोत, द सोर्स ऑफ एनर्जी इज एक्चुअली सनलाइट। सोचिए सनलाइट ना हो तो क्या होगा? सनलाइट हो ना हो तो प्लांट ही नहीं रहेंगे। प्लांट नहीं रहेंगे क्योंकि सनलाइट की मदद से तो फोटोसिंथेसिस करते हैं। मतलब क्या समझे आप? मतलब ये देखिए, ये आपका प्रोड्यूसर है, ये सीधा सनलाइट को यूज कर रहा है। ये आपका क्या है? सनलाइट का यूज कर रहा है। और सनलाइट की यूज करते फाइनली क्या कर रहा है? ये अपना भोजन यानी फूड बना रहा है। अगर सनलाइट ही ना रहे तो यहां एनर्जी एंटर ही नहीं कर पाएगा क्योंकि यहां पे ये ग्रास ही नहीं रहेगा। तो आपको यहां पे समझनी है, सनलाइट इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी इन दिस इकोसिस्टम। एकमात्र ऊर्जा का स्रोत इस इकोसिस्टम का वो है सनलाइट। अगर सनलाइट ना हो तो फोटोसिंथेसिस ना होगा। फोटोसिंथेसिस ना होगा तो ये प्रोड्यूसर नहीं होंगे, तो ये नहीं होंगे, तो ये नहीं होंगे, नहीं तो हम सब भी नहीं होंगे। हम सब क्यों जीवित हैं पता है? क्योंकि हम इकोलॉजिकल सर्विसेज लेते हैं, पारिस्थितिकी सेवाओं के कारण ही हम जीवित हैं। सुबह शाम हम जो भी चीज खाते हैं, चलो कि आप साग भाजी पत्ती खाए, घर में दाल चावल रोटी सब्जी कुछ भी खाए, दाल चावल गेहूं कुछ भी है वो क्या है? प्लांट का ही प्रोडक्ट है। सब्जी खाए वो भी प्लांट का प्रोडक्ट है। आप कहेंगे आप बिस्किट चॉकलेट खाते हैं तो बिस्किट भी क्या है? मैदा से बना है। मैदा किसका पार्ट होता है? नहीं पता। मैदा, सेमोलिना यानी सूजी और आटा, तीनों किसका प्रोडक्ट होता है? तीनों के तीनों गेहूं के प्रोडक्ट होते हैं। तीन पता है नहीं क्या? यहां पे सूजी आटा जो छोटा छोटा दाना होता है, मैदा होता है, आटा होता है, तीनों के तीनों व्हीट से ही प्राप्त होते हैं, गेहूं से ही प्राप्त होते हैं। ठीक है, हाँ, जिसकी बात कर रहा था, तो आप चॉकलेट बिस्किट भी खाते हैं तो आप कभी भी इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट को नहीं खाते, ऑलवेज ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को खाते हो। तो उसमें मान लो चॉकलेट बना है तो वैसे तो चॉकलेट का ट्री भी होता है। ठीक है, एक बात और समझिए कि चॉकलेट या बिस्किट या जो भी चीज बना है उसमें तो उसका स्वीटनेस के लिए शुगर मिला है। उसका कोई ना कोई बेस होगा, कोई एसेंस लिया होगा किसी फ्रूट से, या हो सकता है कि वहां मैदा यूज किए तो वो भी प्लांट का पार्ट है। उसमें किसी में अगर कोई लगता है नमकीन बिस्किट है उसमें सॉल्ट यूज किया गया है। अल्टीमेटली हम किसी इनऑर्गेनिक चीज को नहीं खाते, ऑर्गेनिक चीजों को ही खाते हैं। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। तो अगर सूर्य का प्रकाश ही ना हो तो सब चीजें कोलैप्स हो जाएगी, ये बात ध्यान रखिएगा। क्योंकि यहां से ऊर्जा प्रवेश करती है इसलिए हम प्रोड्यूसर को कहते हैं ऊर्जा का प्रवेश द्वार। आपके सीजीपीएससी 2017-18 का एक क्वेश्चन है, मुझे याद आ रहा है कि यदि प्रोड्यूसर या उत्पादक या पौधे फोटोसिंथेसिस करते हैं तो कौन सी एनर्जी को किस एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब किस ऊर्जा को किस दूसरे ऊर्जा में परिवर्तित कर रहे हैं। लाइट एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू केमिकल एनर्जी, क्योंकि ग्लूकोज बनाते हैं फोटोसिंथेसिस में। ग्लूकोज क्या एक प्रकार का केमिकल ही तो है। प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। अगर रासायनिक ऊर्जा विकल्प नहीं दिया, बायोलॉजिकल एनर्जी तो भी आप कह सकते हैं, उसको भी सही टिक कर सकते हैं। बायोकेमिकल एनर्जी बोला तो भी वही सही आंसर है, क्योंकि ये प्लांट पहली बार तो क्या है इसमें लाइफ आ रही है, इसके पहले तो उधर लाइफ है ही नहीं। ये सब यूज कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं? देखो ये सब यूज करते हैं, आपका पानी यूज करते हैं, आपका CO2 यूज करते हैं, आपका लाइट यूज कर रहे हैं। तो ये सब क्या है? आपके इनऑर्गेनिक फैक्टर है। ये सब क्या है? एबायोटिक फैक्टर है, अजैविक कारक है। तो उसी की बात यहां पर मैं कर रहा हूं कि यहां पे ऊर्जा का स्रोत क्या है? सनलाइट है। दूसरा,
ऊर्जा का प्रवेश द्वार, द गेटवे ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का प्रवेश द्वार क्या है आपका, प्रोड्यूसर को कहा जाता है, प्रोड्यूसर या फिर उत्पादक को कहा जाता है। ये दूसरा फैक्टर आपको याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों प्रवेश द्वार कहे, मैंने आप लोगों को बता दिया, गेटवे ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूसर। तीसरा, इधर देखेंगे, इफ फूड चेन इज लॉन्ग, मतलब जैसे कि T1 से लेकर, यहां T1 इवन करूंगा तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे, छोड़ो, यहां पे अगर फूड चेन लंबा है, यहां पे पहला दूसरा तीसरा पांच छह ट्रैफिक लेवल तक है, छह वाले तो बहुत मुश्किल मिलते हैं, पांच वाले जैसे हैं, जो फूड चेन जितना छोटा होगा ना वहां एनर्जी उतनी ज्यादा होती है, ठीक है। तो यहां पे कहेंगे इफ फूड चेन इज लॉन्ग तो लेस एनर्जी, ऊर्जा कम, क्यों कम होती है, 10% का लॉ लगता है ना, 10% का लॉ अभी मैं आएगा, मैं बता दूंगा इसे, एक छोटा सा तो सुन ही लो। यहां पे देख रहे हैं, ये देखिए, अगर यहां पे एनर्जी जो है एंटर कर रही है, तो फॉर एग्जांपल अगर एनर्जी एंटर कर रही है तो इसके लिए तो ये 100% होगा, भले वो जितना भी हो, अल्टीमेटली ये बताऊं, ये बात आपको पता है कि नहीं, कि सूर्य के प्रकाश का केवल 2% पार्ट ही हम फोटोसिंथेसिस में यूज कर पाते हैं, बाकी 98% यूज नहीं हो पाता। इस सूर्य की, सूर्य में वास्तव में एक रहस्य है, अभी भी एक बहुत बड़ा मिस्ट्री है कह सकते हैं, इसमें इतनी सारी चीजें छुपी हैं, आप लोगों को मैं फिजिक्स में बताऊंगा, इतने सारे रेस हैं, इसके अलावा कॉस्मिक रेस, इसके बारे में अभी भी डिस्कवर किया जा रहा है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें रहस्य है, ऊपर से क्या, सनलाइट के कारण हम सब जीवित हैं, सनलाइट ना होता तो न प्लांट प्रोड्यूसर होते ना बाकी सब चीजें होती। तो हम कह रहे हैं अगर ये आपको एनर्जी यहां एंटर कर रही है 100%, और मान लो इसकी वैल्यू को मैं 100 मान लो, तो 100 का 10% ही नेक्स्ट लेवल पे पहुंच पाता है, तो 100 का 10 कितना होगा, 10 हो जाएगा, फिर 10 का 10% कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसका 10% कितना हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा। इधर वही देखो, इधर यहां पे वैल्यू रखने पर क्या होगा, ये 100, इसके बाद ये क्या है 10, इसके बाद ये 1 हो जाता, 0.1 हो जाता, 0.01 हो जाता। तो किस में एनर्जी कम है, नीचे वाले में एनर्जी कम है, ऊपर वाले में एनर्जी ज्यादा है, क्योंकि आखिरी में 0.1 है, ये बड़ा है ना इसकी तुलना में, 0.01 की तुलना में। तो वही बात कही जा रही है, ए फूड चेन इज मतलब इज लॉन्ग देन लेस एनर्जी, यानी कम ऊर्जा होगी, इफ फूड चेन इज शॉर्ट देन मोर एनर्जी रहेगी। ये बात ध्यान रखना, जब भी इसको लॉजिकली आपको पूछा जाए ये चीजें आपको स्पष्ट होनी चाहिए, चले, और इसका वैसे वर्षा कर देना भाई, है ना, इफ शॉर्ट तो मोर एनर्जी, ज्यादा ऊर्जा। चले चौथा नंबर है ना, क्योंकि यहां पे इस नियम को कहते हैं 10% का लॉ, 10% का नियम, आगे मैं बताऊंगा फूड चेन में। फोर्थ पॉइंट, इकोसिस्टम कुछ भी हो सकता है, इसका आकार, इसका टाइप या इसका आकार, साइज ऑफ इकोसिस्टम के आधार पर, इसके आकार के आधार पर, इसके आकार के आधार पर हम कई प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे हम यहां पे नेक्स्ट पेज में लेकर चलता हूं मैं, आकार के आधार पर हम अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं, चारों चीजें ही लिखना है आप लोगों को। पहला नैनो, नैनो इकोसिस्टम, दूसरा माइक्रो इकोसिस्टम, नैनो इकोसिस्टम, दूसरा माइक्रो इकोसिस्टम, तीसरा मैक्रो इकोसिस्टम, और उसके बाद चौथा मेगा इकोसिस्टम।
मेगा इकोसिस्टम। जैसे पानी की एक बूंद, पानी की बूंद क्या है, आपका नैनो इकोसिस्टम का एग्जांपल है। इसके अलावा हम बात करते हैं विशाल महासागर, मेगा इकोसिस्टम का है। विशाल महासागर, ओशन क्या है आपका, क्या है आपका, मेगा इकोसिस्टम का है। वैसे आप देखते हैं किसी एरिया में पॉन्ड फॉरेस्ट वगैरह है, लिख लो, तालाब जो है ये क्या है, तालाब वन वगैरह क्या है आपका, क्या है, माइक्रो इकोसिस्टम का एग्जांपल है। उसी प्रकार अलग अलग इसके क्या है और टाइप हो सकते हैं। एक चीज और लिखिएगा आप लोग, मैक्रो इकोसिस्टम में, मैक्रो इकोसिस्टम में इससे जस्ट बड़ी चीजें अगर हम देखते हैं तो उसमें लिखना मैक्रो में, मैक्रो को में आप फॉरेस्ट कर लीजिए, इसको आप लोग तालाब कर लीजिए क्योंकि वन का आकार काफी बड़ा होता है। इसके सामने आप झील वगैरह लिख सकते हैं, झील वगैरह या नदी वगैरह, ये सब क्या हो सकता है, ये आपका माइक्रो में हो सकता है। नहीं, इसी में आएगा नदी, इसी में आएगा, ठीक है। नदी छोटी भी होती है, बड़ी भी हो सकती है, ठीक। चलें आगे बात करते हैं, इसके हिसाब से हम देखते हैं। अच्छा, अगर मैं इसका अब इकोसिस्टम का प्रॉपर्टीज में एक प्रॉपर्टीज और नोट कर लीजिए जो आपके लिए ये भी अच्छी चीज है कि ऊर्जा का प्रवाह यूनिडायरेक्शनल होता है। ऊर्जा का प्रवाह कितना लिख दिए थे, चार लिखे थे, चार लिखे थे, फिफ्थ नंबर। तो फिफ्थ नंबर में लिखेंगे ऊर्जा का प्रवाह ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल, एनर्जी फ्लो इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल। तो इसे पांचवा आप प्रॉपर्टी लिखेंगे, ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। अभी 10% का लॉ देखें, ऊर्जा का गेट कौन सा है, ऊर्जा का एनर्जी का गेटवे कौन है, प्रोड्यूसर। ऑलवेज प्रोड्यूसर से प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी टॉप जाएगा, एक ही दिशा में जाएगा। अब उसके बाद यदि टॉप कंज्यूमर की डेथ होती तो एनर्जी कहां चली जाती है, एनर्जी या वास्तव में ये थर्मोडायनेमिक्स का दोनों लॉ, ऊष्मा गतिकी के दोनों नियम के हिसाब से चलती है, जिसमें हमको पता है एक तो एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ आप जानते हैं, ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा कभी उत्पन्न नहीं कर सकते, नहीं नष्ट कर सकते, एक रूप से दूसरे रूप में केवल बदल सकते हैं। एनर्जी नेवर कैन बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट वुड बी कन्वर्टेड वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ये बात पता आप लोगों को। तो हम वो कहते हैं ऊर्जा जब है ही, ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा संरक्षित है, कंजर्व है, तो वो जाती कहां है, तो वास्तव में जब टॉप कंज्यूमर की डेथ होती है तो डिकम्पोज करने वाला बैक्टीरिया फंगस वो मिनरल्स को क्या कर देता है, खनिजों को वापस सॉइल में मिला देता है, और एनर्जी जो होती है यूनिवर्स में चली जाती है और उसे एक रूप से दूसरे रूप में हमेशा कन्वर्ट ही होती है। तो याद रखना ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलें एक और लास्ट पॉइंट सिक्स, जिसको हमको समझना है। इसको समझने के लिए हम क्या कर देते हैं, इस प्रकार का जैसे ये हमारी अर्थ है, अर्थ के ठीक बीच में क्या है, इक्वेटर है, इक्वेटर या विषुवत रेखा है। इधर देखते हैं ये क्या है, नॉर्थ पोल है, उत्तरी ध्रुव है। इधर देखते हैं ये क्या है, साउथ पोल है या दक्षिणी ध्रुव है। तो हमको यहां पे एक लॉजिक समझनी है, जहां पे सनलाइट ज्यादा होगी, जहां पे सनलाइट ज्यादा होगी मतलब सनलाइट के साथ साथ अगर वहां एनुअल प्रेसिपिटेशन यानी वार्षिक वर्षा भी अधिक, अगर अधिक है तो वहां प्लांट्स के लिए फेवरेबल कंडीशन है भाई, उनको फोटोसिंथेसिस के लिए अनुकूल परिस्थिति है, लाइट भी पर्याप्त है और पानी भी पर्याप्त है। परफेक्ट एग्जाम्पल इज अमेजन फॉरेस्ट, दुनिया का सबसे घना जंगल, इसलिए लंग्स ऑफ द अर्थ कहा जाता है, मैंने कल बताया था। तो अगर मैं यहां पे कहूं, इस जगह पे पर्टिकुलरली कहूं कि यहां पे सनलाइट एक्चुअल में क्या होती है, 90 डिग्री पर क्या है, गिरती है, मतलब सनलाइट यहां ज्यादा, यहां पे तिरछी गिरती है, सनलाइट तिरछी गिरती है, जबकि यहां पे देख रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल गिर रहा है। तो सनलाइट यहां ज्यादा है,
और सनलाइट यहां पे कम है, तो हम कहेंगे उसे सूर्यातप। इंग्लिश वाले सनलाइट ही लिख लेंगे, है ना। सूर्यातप ज्यादा और यहां पे कहेंगे सूर्यातप, ऊपर नीचे कर लो, ऊपर वाले को कम कर लो क्योंकि इसी के एरो में है, और यहां पे सूर्यातप क्या है, ज्यादा। तो ये दो चीजें डिसाइड करती हैं, सनलाइट कम तो वहां पे इकोसिस्टम क्या होगा, नॉर्मल पुअर टाइप का इकोसिस्टम होगा, लेकिन जहां पे सनलाइट ज्यादा है वहां थोड़ा डेवलप प्रकार का इकोसिस्टम होगा। क्यों होगा, उसका रीजन फोटोसिंथेसिस है। तो लिख लीजिए इसमें, यहां पे कहेंगे सूर्यातप कम तो क्या है, इकोसिस्टम पुअर हो सकती है, और यहां पे इकोसिस्टम रिच हो सकती है। ठीक, अब ऐसा नहीं है कि आप सहारा डेजर्ट में चले जाए, थार मरुस्थल में चले गए, वहां कैसे बायोडायवर्सिटी ज्यादा मिलेगा, वहां का इकोसिस्टम कैसे ज्यादा मिलेगा। अरे भाई कंडीशनल है, मैंने क्या कहा, सनलाइट और वाटर दोनों जब होगा, जैसे अमेजन फॉरेस्ट का एग्जाम्पल दिया, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के आधार पर वार्षिक वर्षा भी चेंज हो जाती है, आपको पता होगा ज्योग्राफी में। ठीक है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड अक्षांश देशांतर के आधार पर वहां का क्लाइमेट, वहां का टेम्परेचर, वहां पे वर्षा, सब चीजें बदल जाती हैं, आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे इसे, तो इस लॉजिक को याद रखना। ठीक, चले, इसीलिए देखो आपका अमेजन फॉरेस्ट कहां है पता है, ब्राजील में, इस जगह पर है। ठीक है, दुनिया के ज्यादातर एनिमल प्लांट करीब करीब 60% से भी ज्यादा ये सब क्या, इसी जगह डेंस्ड है, इसी जगह क्या है, संघनित है, मतलब क्या है, उनका घनत्व ज्यादा है। बाकी इस तरफ ये बड़ी हैरान करने वाली बात है कि इतनी बड़ी पृथ्वी ज्यादातर के सब इधर ही है, 60% से भी ज्यादा, और बाकी 40% बाकी इधर उधर चीजें हैं। ठीक, तो ये बातें याद रखनी है। चलें, अब इकोसिस्टम का एक प्रकार देख लेते हैं, उसके बाद एक बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट को मैं कवर कराता हूं, ये आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, कौन सी वाली, ये। लेकिन उसके पूर्व थोड़ा सा एक यहां पे इसके टाइप, टाइप ऑफ इकोसिस्टम, तो दो प्रकार का हो सकता है इकोसिस्टम, एक तो क्या है टेरेस्ट्रियल हो सकता है या तो एक्वेटिक हो सकता है, तो लिख लीजिएगा यहां पे जलीय इकोसिस्टम और यहां पे कहेंगे स्थलीय इकोसिस्टम। ये टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और ये क्या है एक्वेटिक। तो इसमें एक बात आप लोगों को क्लियर कर लेनी है, जब एक्वेटिक की बात करते हैं तो क्या क्या चीजें आती हैं, एक्वेटिक की बातें जब करते हैं तो बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, एक तो क्या है रुका हुआ जल, स्टेबल वाटर, जैसे नदी नहीं तालाब झील। ठीक, तो इसे कहा जाता है लेंटिक, इसे कहा जाता है लेंटिक, जब क्या है बहता हुआ जल है, रिवर फ्लो हो रही है, तो इस केस पे इसे कहते हैं लोटिक, ये वर्ड यूज किए जाते हैं। कुछ ऐसे भी क्षेत्र होते हैं जो संक्रमण क्षेत्र होते हैं, ट्रांजिशनल एरिया होते हैं, ट्रांजिशन होते हैं, जैसे ट्रांजिशनल एरिया में आधा लैंड है और आधा क्या है आपका पानी है, आधा भूमि है आधा क्या है जल है, तो एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों ही हैं, तो उस हिसाब से हम यहां पे इसे ही रखेंगे। जैसे कि आपका वेटलैंड, इसके बारे में आगे हम बात करेंगे, नम भूमि, जैसे कि एस्चुरी, जहां समुद्र में नदी मिलती है उस जगह पे एस्चुरी बनती है। ठीक, ये सब चीजें हो सकती हैं। स्थलीय इकोसिस्टम में हमको लिखना है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में जो चीजें हैं बहुत इजी चीजें हैं, जैसे कि क्या हो सकता है, कोई फॉरेस्ट का इकोसिस्टम हो सकता है, वन का इकोसिस्टम हो सकता है, कोई मरुस्थल का इकोसिस्टम हो सकता है, डेजर्ट का इकोसिस्टम हो सकता है। ठीक है, किसी घास स्थल का, ग्रासलैंड का इकोसिस्टम हो सकता है, घास स्थल का इकोसिस्टम हो सकता है। तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, छोटे छोटे चीजें हो सकती हैं।
ठीक है, और भी एग्जाम्पल है, किताब में आपको मिल जाएगा, इसको नोट कराने की आवश्यकता नहीं है। एक प्रश्न पूछा गया है, नेचुरल इकोसिस्टम और एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम भी होती, मेन मेड इकोसिस्टम भी हो सकती है, जैसे खेत, एग्रीकल्चर लैंड। भाई खेत तो पहले से बना नहीं था नेचुरली, वहां पे जंगल रहे होंगे तो काटा गया होगा पेड़ को, उसके बाद वो खेत बनाया गया होगा, तो मेन मेड क्या है, इकोसिस्टम है, तो खेत क्या है, मेन मेड है। तालाब के बारे में पूछा जाए, तालाब तो दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं, नेचुरली भी बन सकता है, मनुष्य भी बना सकता है। तो कृत्रिम तालाब क्या है, वो मेन मेड है, मतलब वो मनुष्य बनाएगा, खोद के बनाएगा, लेकिन कुछ ऐसे तालाब जो नेचुरली भी हो सकते हैं, तो खासकर पॉन्ड के बारे में होगा तो सीधा आप मेन मेड ही लेना, मेन मेड ही लेना मतलब मानव निर्मित लेना, और उसी प्रकार खेत को भी मानव निर्मित लेना। ठीक है, चलें अब इंटरेस्टिंग पॉइंट की ओर थोड़ा मूव करते हैं। चलिए, इकोसिस्टम में, इकोलॉजी के पहले टॉपिक का ये अंतिम पड़ाव है, इसके बाद ये टॉपिक समाप्त होगा। कुछ फेमस टर्म्स हैं, कुछ फेमस क्या हैं, इसमें शब्द दिए गए हैं, और ये अभी 5-6 शब्द जो मैं आपको नोट करवाऊंगा, ये सबके सब पास्ट ईयर के पेपर में पूछे जा चुके हैं, तो कभी भी फ्यूचर में भी पूछा जाएगा। ठीक है, चले देखते हैं। की स्टोन स्पीसीज, की स्टोन मतलब की रोल प्ले करते हैं, कुछ मुख्य भूमिका निभाते हैं, तो इसमें हम कहेंगे ऐसे स्पीसीज या ऐसे प्रजातियां जिनका खुद का बायोमास बहुत कम होता है, जैव भार बहुत कम होता है, लेकिन इस इकोसिस्टम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, वो कहलाता है की स्टोन स्पीसीज। दोस टाइप ऑफ स्पीसीज विच आर वेरी लो बायोमास वैल्यू बट दे मेक्स की रोल इन या वाइटल रोल इन इकोसिस्टम, है ना। दोस टाइप ऑफ स्पीसीज विच आर लो बायोमास वैल्यूज बट दे मेक्स वाइटल रोल इन इकोसिस्टम, ऐसी प्रकार की प्रजातियां जिनका जैव भार बहुत कम है लेकिन इकोसिस्टम में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, वो कहलाते हैं आपका की स्टोन स्पीसीज। द परफेक्ट एग्जाम्पल इज हनीबी, मधुमक्खी। अरे मधुमक्खी ना हो, देखो मधुमक्खी तो पहली बात बता दूं, इस इकोसिस्टम में 500 करोड़ से भी ज्यादा, जो मैं एक रिपोर्ट पढ़ा था उसी के हिसाब से डेटा शेयर कर रहा हूं, कि 500 करोड़ से भी ज्यादा का इकोनॉमी को कंट्रीब्यूशन करता है बिना कोई स्वार्थ के। कैसे करेगा? अरे वो अपना हनी भी जो मधुमक्खी का छत्ता बनाएगा, उसे आमजन क्या है या कोई भी लोकल पीपल क्या है, उसे निकाल के लेकर आ जाएंगे और उसे फिर क्या करेंगे, मार्केट में सेल करेंगे। तो उन हनी बी को किसी ने बनाने के लिए नहीं बोला था कि हनी बनाओ, लेकिन उन्होंने बनाया ना। तो अगर आप बताओ नेचुरल इकोसिस्टम में पाए जाने वाले ये हनी बी हैं 500 करोड़ से भी ज्यादा का इकोनॉमी का कंट्रीब्यूशन देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अब देखिए उनकी भूमिका बहुत छोटी है, ये तो हनी बी वाली बात हो गई, लेकिन उसके आगे सुनिए। पैरेलली मैं बटरफ्लाई को कहूंगा, ये भी क्या है, एक प्रकार का कीस्टोन स्पीसीज है। क्यों, ये क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, असली बात सुनिए। यहां पे एक फ्लावर से दूसरा फ्लावर, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, तो दे आर एक्चुअली रेस्पॉन्सिबल फॉर द पॉलिनेशन प्रोसेस, परागण की प्रक्रिया के लिए क्या है ये रेस्पॉन्सिबल होते। परागण समझते हैं ना, जिसमें मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक पहुंचता है, फिर उसमें फर्टिलाइजेशन होता है, फिर फ्लावर से फ्रूट बनता है, उसी फ्रूट को हम खाते हैं। फल पहले फूल बनता है, फूल से फल बनता है। दूसरी बात, वो फल मान लो वहां पे राइपनिंग हो गया, पेड़ में ही पक गया, तो पेड़ उस फल के अंदर बीज होते हैं, बीज रप्चर होकर नीचे गिर जाएंगे, बरसात का सीजन आया, पानी के कॉन्टेक्ट में आया, मॉइस्चर के कॉन्टेक्ट में आया, और नया पौधा ग्रो कर दिया। मतलब क्या है, दे हेल्प फॉर द इंक्रीजिंग ऑफ बायोडाइवर्सिटी, मतलब ये जैव विविधता को बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। अरे भाई वैली ऑफ फ्लावर सुने हो आप लोग? वैली ऑफ फ्लावर कहां पर है? उत्तराखंड में, फूलों की घाटी। क्या वहां पे कोई फ्लावर लगाया गया होगा? नेचुरली सब उगे हैं। आप किसी भी जगह जाते हैं, बहुत सारी फ्लावरिंग देखते हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे फ्लावर्स वगैरह देखते हैं, तो वो सब नेचुरली हैं।
तो इसलिए वहां बटरफ्लाई बहुत मिलेगा। क्यों सरकार प्रोत्साहन देती बटरफ्लाई के रिसर्च करने के लिए, बायोडाइवर्सिटी रिसर्च करने के लिए क्यों सरकार पैसा बहाती है? क्योंकि बायोडाइवर्सिटी को इंक्रीज करना है। बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज होगा, देखिए एक चीज कितना चीज डिसाइड कर रहा है, मधुमक्खी या बटरफ्लाई के होने के कारण पॉलिनेशन हो रहा है, तो उस एरिया में बहुत सारे प्लांट की संख्या बढ़ जा रही है। प्लांट की संख्या बढ़ रही है तो नेचर के लिए तो अच्छा है ही, साथ साथ उससे प्रोडक्ट भी हमको मिल रहा है। तो इसका एग्जांपल ये याद रख लेना कि स्टोन स्पीसीज, तो मैंने कहा मधुमक्खी, ठीक है, बटरफ्लाई यानी तितली। चलें अगला देखते हैं, अम्ब्रेला स्पीसीज, कल इसके बारे में बात किया था, बाघ, टाइगर। टाइगर के होने पर टाइगर लायन दोनों आप लिख सकते हो, सबके टाइगर लायन तेंदुआ चीता सब क्या है, अम्ब्रेला स्पीसीज हैं। कितने सारे फायदे होते हैं, देखिए सबसे पहले पहला फायदा कि जिस एरिया में टाइगर मिलेगा तो उस एरिया को हम टाइगर रिजर्व बना सकते हैं, यानी कि हम कहेंगे प्रोटेक्टेड एरिया बना दिए। प्रोटेक्टेड एरिया एक नॉर्मल टर्म ले लिया, संरक्षित क्षेत्र। दूसरा वहां पे क्या है, प्लांट वेजिटेशन यानी कि वनस्पतियों की संख्या बढ़ जाएगी, वनस्पतियों की संख्या बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि टाइगर थोड़े वनस्पति को वेजिटेशन को खाएगा। आप लोग एक वीडियो देखे होंगे जिसमें कि जैसे कि इसी एरिया में टाइगर बहुत है, तो पहले घास क्या था, छोटा छोटा था, उस एरिया में टाइगर ना होने के कारण ग्रेजी एनिमल आते थे, ओवर ग्रेजिंग कर देते थे, अति चराई कर देते थे, या वहां पे पौधे वगैरह ग्रो ही नहीं कर पाते थे। इस बार वहां टाइगर ले आए, टाइगर ले आने पर वहां पे आसपास कोई भी ग्रेजिंग एनिमल नहीं गया, जो घास छोटे छोटे बड़े बड़े घास हो गए। ठीक है, आप लोग इस नाम जानते हो, काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क से रिलेटेड एक प्रश्न आया था अभी कुछ दिन पहले एसआई मेंस के पेपर में। ठीक है, काजीरंगा टाइगर इज, काजीरंगा इज फेमस फॉर वन हॉर्न राइनोसिरोस, एक सिंह वाला गेंडा, लेकिन केवल ऑप्शन वो नहीं दिया था, तीन ऑप्शन दिया था। उस एरिया में क्या मिलता है, एलिफेंट ग्रास मिलता है। एलिफेंट ग्रास मतलब घास की प्रजाति जो काफी बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, क्यों वहां पे ग्रेजिंग एनिमल नहीं मिलेगा? और काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में याद रखना, वो एक प्रकार का टाइगर रिजर्व भी है, तो टाइगर होगा तब तो टाइगर रिजर्व घोषित करोगे, तो टाइगर मिलने के कारण एलिफेंट ग्रास बढ़ गया। ठीक, अब गेंडा तो क्या पानी के अंदर, कीचड़ के अंदर, बाहर है, सब तरफ घूमते रहता है। ठीक है, तो यहां पे ऊपर से क्या है, गेंडा का शिकार करता है टाइगर कि नहीं करता? नहीं करता। एलिफेंट, एलिफेंट का शिकार भी नहीं करता टाइगर, क्योंकि उससे बड़ा जायंट एनिमल है, कभी कभार हो जाता वो अलग बात है। ठीक, बट अल्टीमेटली आसपास पाए जा सकते हैं। तो एक बात समझें कि वनस्पतियों की संख्या बढ़ रही। तीसरी बात क्या है, टाइगर के रहने पर उस एरिया में ह्यूमन बीइंग का भी इन्वॉल्वमेंट कम हो जाएगा, मतलब इंक्रोचमेंट कम हो जाएगा, तो मानव गतिविधि कम हो जाएगी, क्योंकि सबको अपने जान का खतरा है। ठीक है, मानव गतिविधि कम हो जाएगी। ठीक, प्रोटेक्टेड एरिया में आप प्रोजेक्ट टाइगर, टाइगर रिजर्व कुछ भी लिख सकते हो। एक एनिमल के होने से इतनी सारी चीजें बदल रही हैं, इसीलिए तो सरकार प्रोजेक्ट चीता को बढ़ावा दे रही थी। अगर वो चीता का हम रिहैबिलिटेशन करेंगे तो लोग इतना जो है, देखो आपको बता दूं, मेरा एरिया है बारनापारा एरिया, ठीक है, सोना खान के पास मेरा गांव है, तो उस एरिया में आप, मैं बता दूं, बहुत ट्रूथ बात बता रहा हूं, जो इंटरनल रिपोर्ट बता रहा हूं, बारनापारा के अंदर इतना इल्लीगल हंटिंग होता है चीतल सांबर जंगली सोर का कि उसमें हर कोई कल्प्रेट है। उसमें वहां के लोग, लोकल पीपल, डिपार्टमेंट वाले, सरकारी डिपार्टमेंट वाले, सबके सब कल्प्रेट है। अब वहां पे सोचिए, वहां पे तेंदुआ तो है, लेकिन तेंदुआ जो है वो अंदर वाले एरिया में ज्यादा मिलता है, लेकिन वहां पे सोचिए चीता को छोड़ देते, बाघ को छोड़ देते, इल्लीगल हंटिंग के लिए कोई जाता ही नहीं वहां, क्योंकि कभी भी टाइगर का शिकार बन सकते हो। तो उस एरिया में आप लोगों को ये बात समझ में आएगी कि एक चीज के होने पर कितनी सारी चीजें बदल रही हैं। प्रोजेक्ट चीता लाया गया, भले वो रिहैबिलिटेशन के दौरान अभी बेचारे मारे जा रहे हैं, लेकिन अगर वो यहां पे आ जाते, वो अफ्रीकन चीता, इंडियन एशियाई चीता नहीं है, तो वहां के क्लाइमेट के हिसाब से वो रहे थे, उनको यहां पे रिहैबिलिटेशन यानी पुनर्वास किया जाना था, तो किए, लेकिन बहुत सारे लोग मारे गए, जा रहे हैं भी। कोनो नेशनल पार्क में हम डाले थे, कोनो पालपुर नेशनल पार्क मध्य प्रदेश का,
तो अगर वो वहां पे सरवाइव करते तो वापस से उसी से कनेक्टेड है कान्हा नेशनल पार्क, उसी से कनेक्टेड है क्या है संजय गांधी नेशनल पार्क, उसी से कनेक्टेड है गुरु घासीदास नेशनल पार्क, उसी से कनेक्टेड है पलामू टाइगर रिजर्व। यही वो बेल्ट है जो यहाँ पे एशियाटिक चीता पाया जाता था, पालपुर कोनो पालपुर तक नहीं जाता था लेकिन कान्हा तक तो जाता था। अब कान्हा के टाइगर, कान्हा किसली के टाइगर यानी बाघ इधर आया जा सकता है, लाया जा सकता है, लेकिन वो ऑलरेडी टाइगर स्टेट है, वहां टाइगर को लेकर बहुत अच्छा काम किया गया है, तब तो सबसे ज्यादा टाइगर वहीं मिला है। हमारे यहाँ क्या है जो सबसे डेंस फॉरेस्ट वाला एरिया है बस्तर रीजन, उस रीजन में नक्सल मूवमेंट है, हमेशा हमारे पास ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट है, तो कहीं ना कहीं एक अंदर डेंस फॉरेस्ट के अंदर हो सकता है कोई एनिमल मिल भी सके, लेकिन अल्टीमेटली ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट के कारण लगातार गोलीबारी या विस्फोट विस्फोट होने के कारण उनके नेचुरल हैबिटेट तो डिस्ट्रॉय हो गया ना, तो वो लोग माइग्रेट करके चले गए। पहले रहे होंगे, आजकल नहीं है, सरगुजा एरिया बड़ी फेमस है उस प्रकार फॉरेस्ट के लिए। तो अल्टीमेटली बात करते हैं कि किसी भी जगह पे अम्ब्रेला होने पर बाकी वेजिटेशन को सुरक्षा मिल जा रही है। एक बात समझे, अभी आपको थोड़ी सा मैंने फूड चेन बताया था, अम्ब्रेला से हमसे बारिश और धूप का बचाव मिलता है, तो जिस जगह टाइगर मिलेगा तो उसकी छत्र छाया में बहुत सारे प्लांट वेजिटेशन ग्रो कर गए, प्लांट वेजिटेशन पर डिपेंड होने वाले छोटे छोटे इंसेक्ट, छोटे छोटे बर्ड्स, छोटे छोटे ऐसे ऐसे एनिमल ग्रो कर गए जिसका शिकार टाइगर नहीं करता, तो उसी के आसपास घूमेंगे, तो बायोडायवर्सिटी बढ़ गया अभी सिंपल सा। ठीक, चलें, ये बात समझ में आया। फाउंडेशन स्पीसीज क्या है? फाउंडेशन स्पीसीज, फाउंडेशन मतलब आधार, फाउंडेशन मतलब आधार, इसका मतलब क्या है जो दूसरे के लिए एक आधार का निर्माण करते हैं, ऐसे स्पीसीज, ऐसे एनिमल्स या ऐसे प्रजातियां जो दूसरे के लिए एक फाउंडेशन यानी बेस का काम करते हैं वो कहलाते हैं फाउंडेशन स्पीसीज। द परफेक्ट एग्जांपल इज कोरल रीफ, कोरल रीफ प्रवाल भित्तियां। आपको यहां पे ये बात मैं स्पष्ट कर देता हूं, ये एग्जाम में पूछा गया है। चले देखते हैं ये कोरल रीफ कैसे फाउंडेशन का निर्माण करता है। दो एग्जांपल दूंगा, अंजीर जानते हो, फिक कहते हैं इसे, अंजीर का जो ट्री है वो पूर्वी हिमालय में, वेस्टर्न हिमालय नहीं ईस्टर्न हिमालय में बहुत मिलता है। अंजीर के ट्री में अंजीर बहुत फलते हैं और एक प्रकार का वो ट्रॉपिकल वेजिटेशन है, उष्णकटिबंधीय वनस्पति है। ठीक, अच्छा एक बात समझें कि वो जो अंजीर का पेड़ है उसमें कौन कौन लोग रह सकते हैं? उसमें बर्ड्स रह सकते हैं, घोंसला बना के रह सकती है, उसमें मंकीस रहते हैं, और ये साल भर कहीं नहीं जाते क्योंकि उनका आवास यानी हैबिटेट क्या है, अंजीर का ट्री, उसमें साल भर उनको भोजन मिल जा रहा है अंजीर, साथ ही साथ वो एवरग्रीन फॉरेस्ट के तरीपे पर जो है ओवर है उसका एग्जांपल है, सदाबहार प्रकार का एक प्रकार वन है, और उसमें साल भर हरे भरे रहते हैं, केवल बंदर या जो है आपका बर्ड्स केवल फ्रूट थोड़े खाते हैं, वो तो बर्ड्स को भी खाते हैं, छोटी छोटी कलिकाओं को भी खाते हैं, प्लांट के पार्ट्स को भी खाते हैं। तो अंजीर का ट्री बाकी लोगों के लिए क्या कर रहा है, एक आधार का काम कर रहा है, वहां बर्ड्स हैं, वहां मंकीज हैं, अगर वो क्या है वो कुछ पेड़ में से पके हुए अंजीर नीचे गिरते हैं तो उसको खाने वाले कुछ दूसरे एनिमल्स भी हो सकते हैं, तो उस एक पेड़ के कारण ये सब लोग क्या है वहां पे जीवन यापन कर रहे हैं। तो ये हो गया फाउंडेशन स्पीसीज, तो अंजीर का ट्री भी क्या हो गया फाउंडेशन स्पीसीज, लिख लो। और दूसरा मैंने कोरल रीफ कहा, इस कोरल रीफ की बातें यहां पे समझते हैं क्या है। कोरल रीफ से तीन प्रश्न आप लोगों को याद रखना है, देखो कोरल और जू जेंथिली, ये बहुत फेमस एग्जांपल है, यूपीएससी कई बार पूछा जा चुका है, सीजीपीएससी ने भी पूछा है और कभी भी फ्यूचर में आपसे ये टकरा सकता है। इन जनरली जू का मतलब तो एनिमल से होता है लेकिन ये थोड़ा एक्सेप्शन है। जू जेंथिली क्या है, एक प्रकार का शैवाल है, एक प्रकार का क्या है एल्गी है। दूसरा कोरल क्या है, एक प्रकार का एनिमल है। ठीक, दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, तो दोनों किसका एग्जांपल है, सिम्बायोटिज्म। दोनों एक प्रकार किसका एग्जांपल है, सिम्बायोटिज्म
यानी कि साथ साथ जीवन सहजीविता का उदाहरण है। सहजीविता साथ जीवन यापन करते हैं। देखिए इधर देखिए आप लोग, अगर ये शैवाल है मतलब ग्रीन होगा, ग्रीन होगा मतलब फोटोसिंथेसिस करेगा। तो आपको अगर मैं बताऊं फोटोसिंथेसिस का फॉर्मूला, उसका जो है इक्वेशन, तो क्या लिखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या है पानी, और ये मिलके क्या बनाते हैं C6H12O6 बनाते हैं, प्लस क्या करते हैं O2 रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन बाहर निकालता है। तो ये क्या है, ऑक्सीजन को जो निकाल रहा है, जैसे हमको जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, किसी भी एनिमल को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है। तो ये शैवाल से क्या है, इसको एनिमल को ऑक्सीजन मिल रहा है, और बदले में एनिमल इसको क्या कर रहा है, सिक्योरिटी यानी सुरक्षा दे रहा है। ठीक है, तो फूड प्लस ऑक्सीजन, फूड प्लस ऑक्सीजन के लिए डिपेंड है एनिमल किस पर, एल्गी पर डिपेंड है। और यहां पे कह रहे हैं एनिमल क्या कर रहा है, कोरल इसका बचाव कर रहा है, एल्गी का सुरक्षा दे रहा है, सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है। इस प्रकार दोनों की लाइफ चलते रहती है। आपको बता दूं ये जो आपका दोनों का एग्जाम्पल है, ये दोनों मिलके ही क्या बनाता है, कोरल रीफ बनाता है। कोरल रीफ कैसे बनता है, प्रवाल भित्ति, भित्ति मतलब दीवार। तो ये होता क्या है, जब थोड़ा अनफेवरेबल कंडीशन आता है, थोड़ा सुनिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब क्या होता है, देखो 20 से 21 डिग्री सेल्सियस इन दोनों के लिए क्या है, अनुकूल होता है, क्योंकि उसको फोटोसिंथेसिस भी करनी है, इसको उसका प्रोडक्ट को यूज भी करना है, बदले में ये उसको सुरक्षा दे रही है, तो ये इनके लिए अनुकूल है। तो आपको प्रश्न पूछा गया है, कोरल ब्लीचिंग, प्रवाल विरंजन क्या है, सीजीपीएससी का भी प्रश्न है, यूपीएससी का भी प्रश्न है। कोरल ब्लीचिंग या प्रवाल विरंजन के बारे में थोड़ा समझिए। जब ये दोनों आपस में बढ़िया लाइफ साइकिल चल रही होती है, बहुत ही कलरफुल, बहुत ही ब्यूटीफुल दिखते रहते हैं। आप नेशनल ज्योग्राफिक चैनल, डिस्कवरी चैनल के अंदर गोताखोर जब जाते दिखाएगा ये सब चीजें, तो बहुत कलरफुल ब्यूटीफुल दिखते हैं। यही कोरल रीफ है। कोरल रीफ के बारे में याद रखना कि जब क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर मान लो 25 डिग्री सेल्सियस हो गई, ये सब एवरेज टेम्परेचर है ना, औसत तापमान है। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा मतलब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा, यही कह सकते हैं उसको दूसरी भाषा में, और एक भाषा में कह सकते हैं क्लाइमेट चेंज होगा कह सकते हैं। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है, क्लाइमेट चेंज होती है, तो अल्टीमेटली ग्लोबल वार्मिंग बढ़ना, टेम्परेचर बढ़ना मतलब कार्बन बढ़ना है। कार्बन बढ़ना क्यों कहेंगे, क्योंकि CO2 ग्लोबल वार्मिंग गैस है, ग्रीन हाउस गैस है, जो पृथ्वी का तापमान बढ़ाता है। तो मैं इसे कैसे कह सकता हूं, जब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है मतलब CO2 की मात्रा बढ़ती है, या फिर कह सकते हैं क्योंकि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन मौजूद पहले से 21% है, हम कार्बन रिलीज कर देते हैं मानवीय गतिविधियों के द्वारा, तो C+O CO या CO2 बन जाता है। तो कुल मिला के एक शब्द में कहूं तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है, तो उससे क्या होगा, जब ये बढ़ जाता है ना, तो इसका रेट भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, इसकी प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ जाती है, मतलब ज्यादा O2 निकलने लगता है। फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ गया, ज्यादा O2 निकलने लगा, ज्यादा O2 निकलने लगा, ये कहेगा अरे मेरे को और O2 नहीं चाहिए भाई, हो गया, मैं जितना ले रहा था ले लिया, लेकिन उधर सप्लाई होते ही रहता, होते ही रहता, होते ही रहता, कौन सा O2। तो मजबूरन इसको क्या करना पड़ता है, अपने आप को डिटैच करना पड़ता है, क्योंकि ये दोनों साथ में ही जीवन यापन कर सकते हैं, एक दूसरे के बिना अलग हुए मतलब दोनों मारे जाएंगे। तो लगातार फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ने के कारण क्यों बढ़ा, ग्लोबल वार्मिंग के कारण बढ़ा। ये CO2 लगातार निकलते रहता है, इतना निकलता है कि मजबूरन आपके कोरल को डिटैच करना पड़ता है, अपने आप को अलग करना पड़ता है। जब अलग कर लेगा तो जितना ऑक्सीजन था यूज कर लेगा, उसके बाद जैसे ऑक्सीजन खत्म होगा बेचारा मारा जाएगा। जब ये मर जाता है कोरल, तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट का सेडिमेंटेशन का निमग्न। कैल्शियम कार्बोनेट ठोस होता है, सॉलिड होता है, उसका का सेडिमेंटेशन का निमग्न के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, और ये इस प्रकार एक के ऊपर एक के ऊपर एक इस प्रकार क्या है, शैल बना देता है। इस प्रकार क्या है,
एक प्रकार का एक के ऊपर शैल यानी कवच बना लेता है। अब इसमें क्या होगा, छोटे छोटे फिश, छोटे छोटे एल्गी, छोटे छोटे एनिमल्स जाके अपना घर बना लेते हैं भाई, और वहां सुरक्षित रहते हैं बिना कोई टेंशन के। तो ये आधार का काम कर रहा है कि नहीं, कोरल रीफ इसलिए फाउंडेशन स्पीशीज है, ठीक है। हाँ, अब अभी कोरल ब्लीचिंग वाली बात समझिए, जब कोरल अपने आप को एल्गी से डिटैच कर लेता है, जब वो मारा जाता है तो क्या होता है कि वो पूरी तरह से उसके कलर जो है वो सब गायब हो जाते हैं, अब वो पूरा ऐसा लगता है सफेद फूल ही सब तरफ बिछे हुए हैं, ठीक है। तो उसे व्हाइट ब्लूम कहा जाता है या एल्गल ब्लूम कहा जाता है। एल्गल ब्लूम विरंजन का मतलब, रंजन मतलब रंग लगना, विरंजन मतलब रंग गायब होना, ब्लीचिंग समझते हो आप लोग। तो कोरल ब्लीचिंग, वास्तव में कोरल ब्लीचिंग का रीजन क्या है, ग्लोबल वार्मिंग है। ग्लोबल वार्मिंग इज द रीजन ऑफ कोरल ब्लीचिंग, प्रवाल विरंजन। क्या ये बातें सबको समझ में आई, कैसे लिखोगे कोरल ब्लीचिंग, एरो करके लिख लो, CO2 इंक्रीज या ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, और उसके बाद ब्लीचिंग के नीचे एरो निकाल लो, कलर डिसअपीयर इन कोरल ब्लीचिंग, कोरल रीफ इसे कहा जाता है, ठीक। फटाफट दो मिनट और पांच मिनट लगेगा फिर खत्म करते हैं। हाँ, ये बातें सबको समझ में आई। तो आप लोगों को प्रश्न तीन प्रकार के जो पूछे गए फटाफट सुन लीजिए। पहला तो किसका एग्जाम्पल है, सहजीविता सिम्बायोटिज्म का। दूसरा एग्जाम्पल कोरल ब्लीचिंग का रीजन क्या है, ग्लोबल वार्मिंग या टेम्परेचर इंक्रीज होना। दूसरा प्रश्न पूछा गया है, तीसरा ये कैल्शियम कार्बोनेट का निमग्न होता है, ये पूछा गया। एक बात और सुन ले, आगे वैसे मैं बताऊंगा, दुनिया का सबसे बड़ा कोरल रीफ कहाँ है, ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में ही ज्यादातर कोरल रीफ मिलता है, इसका मतलब क्या है, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में क्या जाता है, इक्वेटर लाइन जाती है, विषुवत रेखा जाती है। तो हमेशा कोरल रीफ कहाँ मिलता है, कहाँ मिलता है, इक्वेटर के आसपास मिलता है, इक्वेटर के आसपास वाले क्षेत्रों में मिलता है, क्योंकि इनको ये ठंडे प्रदेशों में नहीं मिलेगा, ठीक है, ये बात याद रखना। और बेहतर तरीके से लिखो, कर्क और मकर रेखा के बीच में मिलती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में मिलता है, ठीक है, कोरल रीफ। चलें, अब यहां पे दो शब्द को थोड़ा सुन लीजिए फिर क्लास वाइंड अप करेंगे। देखो, इकोलॉजिकल नीशे पारिस्थितिकी निकेत कहा जाता है, पारिस्थितिक निकेत कहा जाता है, बस पांच मिनट लास्ट है ना। इकोलॉजिकल निशे तो सीधा सीधा लिख लेना किसी भी जीव का क्रियात्मक पता है, दिस इज द फंक्शनल एड्रेस ऑफ एनी स्पीसीज। सबसे नीचे लिखा है फंक्शनल, इट इज द फंक्शनल एड्रेस, क्रियात्मक पता है, ऐसा स्थान जिसमें कि कोई जीव सर्वाधिक रूप से क्या है, एक्टिव होता है, फंक्शनल एड्रेस है, ठीक है, फंक्शनल एड्रेस है। जैसे कि वो एड्रेस फंक्शनल क्यों होना पड़ता है, क्योंकि उनको फूड चाहिए, उनको हैबिटेट चाहिए, ठीक है। तो बस ये बात ध्यान रखें, इसमें अलग अलग चीजें हैं, समझ सकते हैं, इसमें उतना इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है, बस फंक्शनल एड्रेस है, इट इज द फंक्शनल पोजिशन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म एंड फॉर द इन्वायरमेंट ड्यू टू द सर्वाइवल ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म। इसके क्या है, जीवन यापन करने के लिए क्या है, इस प्रकार का ये एक्टिव रहना पड़ता है, जरूरत पड़ी इसका काम ये इसको उठाना नहीं है, लेकिन उसको फूड चाहिए। इतने बड़े आप देखना घर में चींटियां जब जा रही होती है, इतने बड़े क्या है, जैसे कि बूंदी का एक दाना है या गुड़ का एक दाना है या फिर चीनी का दाना, उसको उठा के ले जा रहे, तो उनका उनका काम नहीं है, लेकिन वो फंक्शनल हो जाते हैं। तो कोई भी ऐसा एरिया जिसको क्या है वो अपने सर्वाइवल के लिए क्या है वो एक्टिव हो जाती हैं, वही इकोलॉजिकल निशे कहलाता है। इसके बारे में बता देता हूं, इकोटोन आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। देखिए, इधर एक इकोसिस्टम मान लो ये एक्वेटिक है, इधर एक इकोसिस्टम ये मान लो टेरेस्ट्रियल है, ये क्या जलीय है, और इधर मैंने कहा ये थल वाला इकोसिस्टम है। दोनों जहां मिलेंगे उस जगह को कहा जाता है इकोटोन, दिस इज द ट्रांजिशन एरिया। जैसे कि आप कहते हैं वेटलैंड, नम भूमि को, नम भूमि जाएंगे, ऐसा कोई भी एरिया को नम भूमि कह सकते हैं जहां पानी भी हो और भूमि भी हो और इसकी गहराई 6 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो उसको वेटलैंड माना जाता है। तो जैसे यहां पे देखते हैं, इधर देखिए इसको एग्जांपल,
ये लैंड इकोसिस्टम है, इधर एक्वेटिक इकोसिस्टम है, दोनों के बीच में ये एरिया क्या है, ट्रांजिशन है, थोड़ा सा पानी है, थोड़ा सा भूमि है। तो जनरली इसकी खास बात क्या है, एक्वेटिक इकोसिस्टम में अगर नंबर ऑफ स्पीशीज 50 प्रकार के हैं, इधर मान लो 100 प्रकार के हैं, तो ट्रांजिशन एरिया जिसे हम इकोटोन कहते हैं, हिंदी में संक्रमिका कहा जाता है। ऑलवेज याद रखना, ट्रांजिशन जोन में ऑलवेज बायोडायवर्सिटी ज्यादा हो सकता है, यहां 300 प्रकार के एनिमल मिले, एनिमल प्लांट मिले। क्यों ऐसा होता है, इधर वाले भी मिलेंगे, इधर वाले भी मिलेंगे, कुछ लोग माइग्रेट करके यहां आ जाएंगे, तो कि तीसरे प्रकार का एनवायरनमेंट है, ये पूरा भूमि है, लैंड है, ये पूरा वाटर है, लेकिन ये आधा लैंड और आधा एक्वेटिक है। इस केस में यहां पे बायोडायवर्सिटी ऑलवेज ज्यादा मिलेगा। अगर आपको पूछा जाए बायोडायवर्सिटी गिवन ऑप्शन में किसमें ज्यादा किसमें कम मिलेगा, तो देखना उसमें इकोटोन तो नहीं है। इकोटोन का बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि पानी और टेरेस्ट्रियल ही होगा, कोई भी दो इकोसिस्टम का मिलन स्थल हो सकता है। जॉइंट एरिया ऑफ एनी टू इकोसिस्टम मेक्स द इकोटोन। जैसे आप मैदान है, जा रहे हैं, अचानक जंगल चालू हो जाता है, और जंगल के शुरुआत में देखना, जैसे ही मैदान और जंगल शुरुआत हो रही है उस समय देखना, तरह तरह के वेजिटेशन मिलेगा। जैसे जंगल के अंदर चले जाओगे तो वहां पे एक अलग प्रकार का तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन बायोडायवर्सिटी यहां पे कहेंगे, बायोडायवर्सिटी मतलब डायवर्सिटी मतलब वैरायटी, तो हमेशा इकोटोन में ज्यादा ही मिलेगा। ये लॉजिक कभी भूलना मत, कोई भी दो इकोसिस्टम का। जैसे नदी जाके समुद्र में मिल रही है तो उस एस्चुरी एरिया में, जैसे पहाड़ यहां पे देखते हैं, ये पहाड़ है मान लो, तो दो पहाड़ के बीच को वैली कहा जाता है, घाटी कहा जाता है, तो घाटी एरिया में ही एप्पल की खेती होती है, हिमाचल जम्मू कश्मीर एरिया में। तो वैली एरिया में ही क्यों होती है, क्योंकि वहां बायोडायवर्सिटी रिच होती है, वहां आसान होता है ग्रो करना, ठीक। तो ये इकोटोन कहता है। अच्छा, इसी से जुड़ा अगर इकोटोन समझ के, कोर, कोर का मतलब किनारा। जैसे बैट्समैन बैटिंग कर रहा है, बॉलर बॉलिंग करता है, एज को लग के कीपर के पास कैच हो जाता है, तो एज लग के लगा है बोलते हैं ना, बस वही है कि इकोटोन का किनारे वाला क्षेत्र, इकोटोन का किनारे वाला क्षेत्र कहेंगे तो क्या हो जाएगा, ये किनारे वाला क्षेत्र, ये इस जगह को हम कहते हैं, यहां पे बायोडायवर्सिटी इनमें भी बहुत ज्यादा रिच होती है। एक तो पूरा ट्रांजिशन एरिया में ही रिच होता है, ज्यादा पाई जाती है, लेकिन किनारों पर भी क्या है, जैव विविधता सर्वाधिक प्राप्त होती है। इसी को कहा जाता है कोर प्रभाव, ठीक है। जैसे इसका कोर प्रभाव क्या होगा, ये किनारे किनारे, ये क्या है आपका कोर इफेक्ट हो जाएगा, ठीक। चलें आगे बढ़ें, चलो लास्ट स्लाइड, इसको आप बस सुन लीजिए। संकेतक प्रजाति, जिनके प्रेजेंस मात्र से ही आप चीजों को जान सकते हैं, किसी एरिया में लाइकेन और मॉस मिला है, किसी एरिया में लाइकेन, लाइकेन जो किसका होता है, एल्गी प्लस फंजाई का सिंबायोटिक रिलेशन होता है, शैवाल प्लस कवक का, उस एरिया में मान लो मॉस मिला है, मॉस भी एक प्रकार का क्या है, प्लांट है, तो ये दोनों जिस एरिया में मिलेंगे तो समझेंगे वहां पे वायु प्रदूषण नहीं है। किसी स्पीसीज को देखने पर ही हम कहेंगे वहां पे नहीं है, इसलिए प्रश्न पूछा गया है शहर के बाहरी क्षेत्रों में ही लाइकेन क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि शहर के अंदर ऑटोमोबाइल्स के कारण पोल्यूशन होता है, जिसके कारण ये लाइकेन जैसे मॉस जैसे बहुत ही प्रिमिटिव टाइप के प्लांट्स हैं, आसानी से ग्रो कर जाते हैं, लेकिन ये इनके प्रेजेंस मात्र ये आपके पोल्यूशन के कारण क्या है, ये सब ग्रो नहीं कर पाते। शहर के बाहर पोल्यूशन नहीं होता तो वहां ग्रो कर जाते हैं। अब सब हर कोई लाइकेन को देखे हो, गूगल करके देखना, लाइकेन से ही लिटमस पेपर बनता है, एसिड बेस टेस्ट वाला, ठीक है। तो लिटमस टेस्ट तो किए होंगे आप लोग स्कूल में, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है, वो इसी से लाइकेन बनता है, मतलब लिटमस बनता है। तो इनका ये संकेतक है। आप लोग ये जानते हो बिना सल्क वाली फिश, बिना सल्क वाली, सल्क मतलब उसके ऊपर रेक्टेंगल जो ट्रांसपेरेंट छोटे छोटे चतुर्भुज आकार का क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, क्या कहते हैं उसे हिंदी में, शल्क ही कहते हैं। तो ऐसे फिश जिसमें सल्क है वो हमेशा अच्छे पानी में ग्रो करते हैं, लेकिन जैसे जिसमें सल्क नहीं है, जैसे मोंगर फिश, ठीक है, मोंगरी मछली, ठीक, तो ये सब क्या है जिसमें सल्क नहीं है, वो सब क्या है, पॉल्यूटेड वाटर में ग्रो करते हैं, ठीक है। एक और जोक, लीच, लीच जहां पे मिल गया पानी के सैंपल में लीच मिल गया, मतलब आप जान गए कि वो पानी पॉल्यूटेड है,
तो पॉल्यूटेड जो जगह में ग्रो करना, तो वाटर पॉल्यूशन का इंडिकेटर दो हो गए, लीच हो गया और बिना शल्क वाली फिश हो गई। ठीक है, इंग्लिश में गूगल कर लेना, ठीक, बिना शल्क वाली फिश। ठीक, बाकी लास्ट पॉइंट ये देखेंगे, इसको मैं बता ही चुका था, आगे मैं वहां पे स्पष्ट करूंगा भी, अगली क्लास में इसे स्पष्ट करूंगा, स्पीसीज डाइवर्सिटी और इकोलॉजिकल फुटप्रिंट को। ठीक, इसमें थोड़ा अदरवाइज थोड़ा और ज्यादा लंबा चला जाएगा। ठीक, एक्चुअल में क्या है उससे रिलेटेड ये चीजें हैं, है ना, ये चीज जानना जरूरी है। फर्स्ट टॉपिक ऑलमोस्ट कंप्लीट होने ही वाला है, हो ही चुका है मान के चलिए। ठीक, चलिए कल वाली क्लास में यहीं से मैं रिज्यूम करूंगा। ये इस इमेज को जान जाएंगे ना तो पूरी पूरे अर्थ में आप वेजिटेशन को जान जाएंगे, कहां पे ज्यादा कहां पे कम होगा। ठीक, ये भी एनसीईआरटी से लिया गया आपका इमेज है, इसके बेस पे भी आप प्रश्न बना सकेंगे।